Hello students, these are some word problem of exercise 13.3 based on area and perimeter. We have already done all the questions of area and perimeter. So now we can solve these problems very easily. Your first question is find the area of a square whose perimeter is 64. स्टूडेंट्स एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हमें साइड पता होगी स्क्वायर की तभी हम एरिया निकाल सकते हैं तो साइड हम पेरीमीटर से निकालेंगे यू हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन पेरीमीटर इज गिवन 64 वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड पैरामीटर की जगह आ गया 64 मल्टीप्लाई साइड तो साइड कैसे आएगी साइड इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 4 आप डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हैं इसकी जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइड इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4 ठीक है ये मैंने आपको दो लाइनें समझाने के लिए लिखी हैं कि कैसे 64 डिवाइड कर रहे हैं हम 4 से ठीक है अब 64 को 4 से डिवाइड किया आंसर आया 16 कटिंग कर देंगे बेटा हम कटिंग कैसे होगी 4 वंजा 4 हो गया अब 6 को हम 4 की टेल में देखेंगे 6 को हम ये कटिंग क्या है बेटा ये शॉर्टकट डिवाइड है तो डिवाइड आपको अपने माइंड में करना है 4 की टेबल में हम 6 को देखेंगे तो क्या आएगा 4 वंजा 4 आया 4 वंजा 4 एक बार टेबल पढ़नी है और एक बार माइनस करना है 6 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आया 2 2 इस 4 के सामने लग जाएगा बेटा अब ये 4 बन गया 24 पहले हमने टेबल पढ़ी 4 वंजा 4 आया 6 को हमने 4 की टेबल में देखा उसके बाद हम माइनस करेंगे 4 वंजा 4 तो 6 में से 4 माइनस किया 2 आया 2 इस 4 के सामने हम मान लेंगे दिस 4 विल बिकम 24 तो क्या आएगा अब 4 6 24 16 आ गया ठीक है नाउ वी हैव फाइंड द साइड 16 मीटर नाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर तो एरिया क्या होगा साइड इनटू साइड यू शुड राइट द फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है साइड इनटू साइड देन 16 इनटू 16 आंसर आ गया 256 मीटर स्क्वायर इस 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं बेटा जब भी एरिया लिखेंगे आप तो उसके ऊपर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट है उसके ऊपर आप स्क्वायर लगाएंगे ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइल्स कितनी टाइल्स ऑफ डायमेंशन जिसकी की डायमेंशन दे रखी है डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेथ विल रिक्वायर जरूरत पड़ेगी कितनी टाइलों की इस डायमेंशन की कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी टू कवर अ फ्लोर एक फ्लोर को कवर करने के लिए अब उस फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ दे रखे वाइड मीन्स जो आप ब्रेथ बोलते हो ना तो वाइड मीन्स वही होता है वाइड मीन्स वेथ वेथ मीन्स ब्रेथ ठीक है लॉन्ग मीन्स ये लेंथ हो गई आपकी ठीक है तो आपको टाइल की डायमेंशन दे रखी है टाइल्स की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो आप पहले टाइल का एरिया निकालेंगे फिर आप फ्लोर का एरिया निकालेंगे इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी रिक्वायर्ड है दो आपके एरिया निकलेंगे ठीक है लेंथ है 24 सेंटीमीटर ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ टाइल्स कितनी हो गई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गई सिंपल है मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया और ये एरिया है तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है ठीक है नाउ कम टू द एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ दे रखी है एरिया की 18 मीटर ब्रेथ दे रखी है आपको 12 मीटर बेटा हमने इन दोनों की कैलकुलेशन करनी है एरिया निकालने के बाद हमें इनको डिवाइड भी करना है तो दो अलग अलग यूनिट हम डिवाइड नहीं कर सकते मीटर और सेंटीमीटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते अगर हमें इनको डिवाइड करना है
तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। मीटर कभी भी सेंटीमीटर के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड। अगर मीटर को या सेंटीमीटर को दोनों को आपस में कैलकुलेशन करनी है तो इन दोनों को सेम करना होगा, या तो इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर में या इसको कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान था तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। 18 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 1800 सेंटीमीटर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके ही सेंटीमीटर में आ गया। अब हम इन दोनों से हमारा एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ फ्लोर हमारा मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, एरिया ऑफ फ्लोर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। 12 को और 18 को हमने मल्टीप्लाई किया तो बेटा 216 आया आंसर, ठीक है। और दो जीरो ये वाले बेटा और दो जीरो ये वाले, तो मींस 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेटा जब डिवाइड करते हैं हम, तो इस जीरो से जीरो को आप पहले ही कट कर सकते हो। अब हम 36 को 216 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 की टेबल में आप 21 को देखेंगे, 3 7 21, तो 7 से आंसर नहीं आ रहा है, तब आप 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। 36 6 216 हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन थर्ड, द साइड ऑफ स्क्वायर हॉल मेजर्स 80 मीटर ईच। जो एक स्क्वायर हॉल है, हॉल कैसा है, स्क्वायर, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, कि उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला लगेगा। द साइड ऑफ स्क्वायर हॉल, एक हॉल है जिसकी साइड है 80 मीटर, एक साइड 80 मीटर है, तो क्योंकि हॉल स्क्वायर है इसलिए सारी साइड 80 होगी। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है, सिंपल है, साइड आपको पता है, आप एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन है, इफ इट कॉस्ट रुपीज 0.50 पर स्क्वायर मीटर। देखिए मैं कैसे रीड कर रही हूं, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। मतलब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी है, टू टाइल द फ्लोर, फ्लोर पे टाइल लगाने की जो कॉस्ट है वो ऐसे दे रखी है, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 50 पैसे है ये, ₹.50, ठीक है, एक ही बात है, 50 पैसा बोलो, ₹.50 बोलो, ठीक है। कैलकुलेशन की वजह से हमें ऐसे लिखना पड़ता है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, 50 पैसे है ये, क्योंकि पॉइंट के बाद है ना, इसलिए 50 पैसा है ये। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू टाइल द एंटायर फ्लोर। ये तो एक तरह से बेटा आपको रेट दे रखा है, क्या रेट है फ्लोर पे टाइल लगाने का, क्या रेट है वो दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ टोटल फ्लोर पे कितनी पैसे लगेंगे। जैसे आपको अगर कहीं जाकर के आपको, मान लीजिए आपको सब्जी परचेज करनी है, तो सब्जी वाला शॉपकीपर आपको, वेजिटेबल सेलर क्या कहता है आपसे, आपसे 1 kg के रेट बताता है आपको, और आपको अगर 5 kg लेने हैं तो आप उसके अपने आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से वो क्या हो गया, रेट हो गया, वो 1 kg उसने बताया तो वो क्या है, रेट है। आपको 5 kg लेने हैं तो आप उसके हिसाब से निकालेंगे, तो यहाँ पे भी वही है, ये बेटा रेट दे रखा है पर स्क्वायर, एक स्क्वायर मीटर का रेट दे रखा है, आपको पूरे फ्लोर का निकालना है। तो आप ये देखिए कि टाइल कहाँ पे लगती है, टाइल जहाँ पे लगती है वो क्या हो गया, वो एरिया हो गया, वो उस हॉल का एरिया हो गया। तो आप एरिया निकालेंगे, उसके बाद कॉस्ट से जो रेट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साइड इज इक्वल टू 80 मीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल, साइड इनटू साइड, यू शुड राइट द फॉर्मूला, 80 इंटू 80, 8 8 जा 64, 10 ये वाला 10 ये वाला, 20 लग जाएंगी। और एरिया निकाला है, देन वी राइट मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टाइल द फ्लोर, यू कैन राइट द रेट टू टाइल द फ्लोर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्या है जो रेट दे रखा है,
₹0.50 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। कॉस्ट टू टाइल द एंटायर फ्लोर, पूरे फ्लोर को की कॉस्ट क्या आएगी, 1 स्क्वायर मीटर की इतनी है, तो इसको एरिया को हम इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप इसमें सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ आप 64 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दो बस, और उसके बाद 1, 2, 3, 0 उसके आगे लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। पूरा नहीं है, आप की नीचे 50 लिखोगे, ऊपर 6400 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, नहीं, सिर्फ 64 को और 5 को, 64 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 320, ठीक है। अब 2 जीरो ये रहे, 1 जीरो 5 के इस साइड है, इस साइड वाला जीरो देखना है, आगे वाले जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, 3 जीरो लगा दिया हमने, ठीक है। अब 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, कोई ऐसे नहीं करेगा, 6400 लिखा, फिर 50 लिखा, फिर बैठ के 0 0 0 लगाया, ये इस तरीके से नहीं, सिर्फ नंबरों को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो अपने आप लास्ट में आंसर में पुट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। स्टूडेंट्स, यू नो द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर, मैंने बताया था पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर की बाउंड्री का सम, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, उसकी सारी साइड्स का सम क्या होता है, पेरीमीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड, दिस साइड दे रखी है, स्क्वायर पार्क की साइड दे रखी है, एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर, फिर वही रेट दे रखा है 1 मीटर की फेंसिंग करने का, ये रेट है, ये कॉस्ट है। तो फेंसिंग कहाँ होती है बेटा, फेंसिंग होती है स्क्वायर पार्क के पेरीमीटर पर। अभी हमने स्क्वायर हॉल पढ़ा था, स्क्वायर हॉल है ये बेटा, तो इसमें टाइलें तो हम यहाँ पे लगाएंगे ना, ये जो मैं पार्ट शेड कर रही हूँ यहाँ पे टाइलें लगाएंगे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में एरिया निकाला था। अब हमें फेंसिंग करनी है, फेंसिंग कहाँ करते हैं हम, फेंसिंग हम करते हैं बॉर्डर पे, यहाँ पे, और दिस इज व्हाट, दिस इज पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, आपको सब पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि पेरीमीटर निकालना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फेंसिंग कहाँ पे होगी, फेंसिंग किसी के भी बॉर्डर पे होगी, और दैट इज पेरीमीटर, वो पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, साइड हमें दे रखी है 110 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क 4 मल्टीप्लाई साइड आ गया, ये इस एरिया नहीं है, इसमें स्क्वायर नहीं लगाना, पेरीमीटर निकाला हमने, ठीक है। अब रेट ऑफ फेंसिंग दे रखी है 15 पर मीटर, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क कितनी हो जाएगी, जो पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट 15, ठीक है। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा फिफ्थ के लेवल से हाई क्वेश्चन है ये, बट समझिए, आ जाएगा समझ में। द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉय, एक बच्चे ने डिस्टेंस कवर्ड किया है इन गोइंग 5 टाइम्स, 5 बार, अ स्क्वायर पार्क अराउंड द स्क्वायर शेप्ड पार्क इज 1025 मीटर। पार्क के बेटा अराउंड लिखा है ना, पार्क के चारों तरफ, इसका मतलब उसने कहाँ पे दौड़ रहा है, वो कहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है, पेरीमीटर पे कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कहाँ पे कवर कर रहा है, पेरीमीटर पे कवर कर रहा है स्क्वायर पार्क के। और अगर वो 5 बार उसने राउंड लगाए हैं तो इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है तो साइड पता करनी होगी, तभी एरिया निकलेगा। साइड कैसे पता करेंगे, पेरीमीटर से, पर यहां पर तो आपको पेरीमीटर भी पता करना है, पेरीमीटर दिया नहीं है, वो भी निकालना है, कैसे आएगा,
उसने 5 चक्कर लगाए हैं तो 1 चक्कर में उसने पेरीमीटर कवर किया है। अगर जब उसने 1 राउंड लिया है तो इट मींस उसने इस स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर कवर किया है। 5 टाइम्स में उसने जो कवर किया है 1025, इसका मतलब उसने 5 पेरीमीटर कवर कर लिए इसके। मेरा मतलब समझने की कोशिश करो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि उसने 5 बार पेरीमीटर कवर किया है, तो हमें पहले 1 बार कितना पेरीमीटर कवर किया वो निकालना होगा। समझ में आया? 1 चक्कर में उसने 1 बार पेरीमीटर कवर किया है और 5 चक्कर में उसने बेटा 5 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर कवर किया है। तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में इसने कितना चक्कर लगाया वो आ जाएगा और वो हमारा पेरीमीटर होगा। देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन गोइंग 5 टाइम्स, 5 बार में उसने इतना कवर किया है। डिस्टेंस कवर्ड इन गोइंग 1 टाइम, 1 बार में उसने कितना कवर किया है इतना। और ये क्या है हमारा, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, दिस इज आवर पेरीमीटर। ठीक है, इजी है, ये भी मैंने शॉर्टकट डिवाइड करके आंसर आ गया बेटा। 5th क्लास में आपको बेटा शॉर्टकट डिवाइड आना चाहिए, 4th क्लास में काफी करवाया है मैंने आपको। देखिए शॉर्टकट डिवाइड कैसे होगा इसका, 1025 को हमें 5 से कटिंग करनी है, कटिंग करनी है। आप डिवाइड को अपने दिमाग में रखिए, 5 2 10। अब ये 2 तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 0 लगाएंगे, 0 लगाते हैं ना। अब हम 2 नंबर लेंगे, 5 5 25। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर आया है, अब हम इससे साइड निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपका, मैंने उसमें कहा था आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो गया। इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे हो रहा है ये, फोर फाइव जा 20, अब 5 को उतारेंगे ऊपर से, 4 1 जा 4 आ रहा है बेटा। ठीक है, माइनस करेंगे, 1 आया। अब पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लगा देंगे, पता है सबको ये, पॉइंट लगा के हम 0 लगा देंगे। अब 4 2 जा 8 आएगा, माइनस करेंगे, 2 आया। अब क्योंकि पहले से पॉइंट लगाए तो हम अपने आप 0 लगा लेंगे, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया था तो अब पॉइंट लग चुका है तो हम 1 0 लगा सकते हैं, 1 0, सिर्फ 1 0 हम लगा सकते हैं। अब 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 51.25 मीटर, दिस इज आवर साइड। अब हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, तो 51.25 मल्टीप्लाई 51.25। ठीक है, आंसर और बड़ा निकलेगा, हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ले लिए। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट ले तक निकाला है आंसर, बाकी का और 4 डिजिट आ रही थी वो मैंने, 2 डिजिट आप छोड़ सकते हैं बेटा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 160 मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर दे रखा है आपको, और वाइड मीन्स ये आपको वेथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और आपको पहले आप लेंथ निकालेंगे फिर आप एरिया निकालेंगे। ठीक है, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 160 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है, हमें लेंथ निकालनी है, तो पहले हम लेंथ निकालेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L into B। ठीक है, तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 160 को, पेरीमीटर को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आंसर आ गया, 2 8 जा 16, 0 का 0 80 आ गया। अब 80 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 70। ये 70 क्या आया है, ये 70 आया आपका लेंथ।
मिनिमम इतना तो लिखना ही है आपको। इसके आगे आएगा बेटा एल ई प्लस 10, नहीं याद रहता तो इसके आगे छोड़ देंगे आप लोग, इसके आगे इसको लिख देते हो, ठीक है। इसकी कटिंग करके 80 आया, फिर हमने 10 को माइनस कर दिया, 70 मीटर आया। अब एरिया निकालना बहुत आसान है, 70 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 700 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।